नमस्कार, स्वागतम मेरे चैनल पर। दोस्तों, ए वीडियो है, इसका नाम है गे लाइफ अब्रॉड, मतलब के जिंदगी गे के लिए कैसी है। यह सीरीज में मैं आपको सब बातें जो मेरी लाइफ में हुई हैं, मेरी एक्सपीरियंस है, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो यह पहली वीडियो यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड वास्ते है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लैंड में एलजीबीटी बनना, मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर बनना कैसा महसूस तुसी कर सकते हो। काफी लोग आप मैसेज मुझे करते हैं कि आप अपने देश इंडिया से जाना चाहते हो, और देशों में जाना चाहते हो जहाँ पर एलजीबीटी की जिंदगी आसानी से हो सकती है, तो अच्छी जिंदगी तुसी जी सकते हो। इंडिया में कानून के हिसाब से आप एलजीबीटी बन सकते हो, इसके खिलाफ कुछ है नहीं गा पॉलिटिक्स से लीगली, पर मुझे मालूम है कि सोसाइटी में चेंज नहीं हुआ इतना, तो इतना सपोर्ट सर्विसेज नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत होता है। तो आपकी यह गलत फहमियाँ जो है आपके मन में के औरों देशों में ज़िंदगी बहुत बढ़िया है, ये मैं मटाने लिए आया हूँ कि यूके में ज़िंदगी कैसी है। अच्छा, सर, यूके में भी जैसे इंडिया में है, लीगली एलजीबीटी एक्सेप्टेड है यहाँ पर, मगर एलजीबीटी मैरिज भी कर सकते हैं। सो गे मैरिज भी हो सकता है, लड़का लड़के के साथ मैरिज कर सकता है। इंडिया में यह नहीं मालूम, यह नहीं मुमकिन। सो पॉलिटिकली थोड़ा सा सेम है, मगर यूके में ज़्यादा तौर पर राइट्स एलजीबीटी के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैरिज हो सकता है, इंडिया में नहीं हो सकता। फिर दूसरी बात है कि यह पॉलिटिक्स की बात होगी, फिर लीगली भी बता दिया आपको, तो फिर रिलीजियसली बोलते हैं। सो यूके में चर्च ऑफ इंग्लैंड सबसे बढ़िया रिलीजन है, तो वो एलजीबीटी के लिए खिलाफ कुछ नहीं कहते, पाप नहीं कहते, तो काफ़ी ओपन माइंडेड है। इंडिया में इतना रिलीजन वास्ते मुझे नहीं पता कि कौन सी पार्टी या कौन सा रिलीजन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया में, पर हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है इंडिया में, सबसे ज़्यादा लोग हिंदू धर्म में वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। सो हिंदू धर्म में एलजीबीटी खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा, हिंदू धर्म काफ़ी ओपन माइंडेड, काफ़ी एक्सेप्टिंग रिलीजन है, मगर मुझे मालूम है कि कम्युनिटीज़ जो इंडिया में है, कई कल्चरल के हिसाब से या कम्युनिटी के हिसाब से शर्म की बात समझते हैं, या पाप या मारी बात समझते हैं जे कोई एलजीबीटी हो बे। यूके वे में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे धर्म हैं, क्योंकि यहाँ सबसे सब दुनिया के लोग आते हैं। सो इसके हिसाब से कई रिलीजन में, कम्युनिटी में, यहाँ भी एलजीबीटी को मारा समझा जाता है, एलजीबीटी को पाप समझा जाता है, या एलजीबीटी को अच्छा नज़र से नहीं देखा जाता। सो जेकर आप वो कम्युनिटी से हैं, जेकर कैथलिक, आयरिश शायद, जैसे जा ज्यूविश, ऑर्थोडॉक्स या मुस्लिम, ऐसे जैसे रिलीजन्स में आप यूके में बोर्न होते हैं, वो कम्युनिटी में शायद आपकी ज़िंदगी को ख़तरा भी हो सकता है। मगर यूके में आप पुलिस के पास जाके रिपोर्ट लिख सकते हो, तो कम्युनिटी ग्रुप्स के सहारे आप सपोर्ट भी ले सकते हो, घर आपको मिल सकता है, आपको खाना वगैरह भी मिल सकता है, सहायता मिल सकती है। इंडिया में जेकर आपकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा होवे, आप आमतौर पर लोग पुलिस के पास नहीं जा सकते, क्योंकि पुलिस करप्शन बहुत ज़्यादा है, रिश्वत लेते हैं, ते हमको मालूम है कि हिजरे लोग को भी बहुत मारपीट करते हैं, एलजीबीटी क्लब्स में छापे मारते हैं। सो इस करके एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए वो प्रोटेक्शन की कमी है, शायद वकील दे
खुद के बिलीव्स जो सिस्टम्स थिंकिंग भी इन द बीच में आ सकती है. सो इस करके इंडिया में थोड़ी सी मुश्किल है, यूके में कम मुश्किल है, मगर आप जो आपकी फैमिली जैसे कर आप कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हो, ब्लैक कम्युनिटी या यू नो सी कम्युनिटी, तो आपकी कम्युनिटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती, फिर आप पुलिस को जा सकते हो. यूके में आप कम्युनिटी एनजीओ एलजीबीटी ऑर्गेनाइजेशन से जाके मदद भी ले सकते हो. सो यूके में कौन से एलजीबीटी ऑर्गेनाइजेशंस है? सब बड़े शहरों में एलजीबीटी सेंटर्स है. इंडिया में भी काफ़ी सेंटर है, मेरा लगता दिल्ली मुंबई कलकत्ता ऐसे जगहों में है सेंटर, मगर आई थिंक इंडिया में इतनी फंडिंग नहीं है ये सेंटर के लिए. वहाँ पर वो करते हैं एसटीआई टेस्ट, सेक्सुअल हेल्थ टेस्ट करते हैं, तो सपोर्ट देते हैं, मगर उनको यूज़ इतना नहीं हो रहा. यूके में यहाँ पर एलजीबीटी सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर है, यहाँ पर सेक्सुअल हेल्थ टेस्टिंग स्क्रीनिंग भी कर सकते हो, फ्री में होता है सब कुछ. मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग, साइकियाट्रिक सपोर्ट, साइकोलॉजी सब कुछ होता है, तो इस हिसाब से आपके पास काफ़ी सपोर्ट नेटवर्क्स होते हैं. सो यह बढ़िया है. और क्या हम बोल सकते हैं? सो हम अभी इंडिविजुअल हिसाब से बात करेंगे कि यूके में इंडिविजुअल हिसाब से लाइफ कैसी है. सो यहाँ पर हर एक बड़े शहर में गे क्वार्टर होता है, गे सेंटर होता है, यहाँ पर वहाँ पर क्लब्स, बार, रेस्टोरेंट सब कुछ होता है, आप मिल सकते हैं लोगों को, बाहर जा सकते हैं, एक्सेप्टेड है. सो वो बहुत बढ़िया है. पुलिस वहाँ पर छापे नहीं मारती, मगर मदद करती है. इंडिया में क्लब्स होते हैं एलजीबीटी, मगर काफ़ी तौर पर कभी कभी पुलिस छापा मारती है, रिश्वत देनी पड़ती है, सो ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो डर की बात भी हो सकती है, मगर मुंबई दिल्ली में बहुत बड़े बड़े एलजीबीटी क्लब्स हैं. सो इंडिविजुअल हिसाब से यूके में कैसी ज़िंदगी है? काफ़ी तौर पर जो इंडिया तो आते हैं वो सोचते हैं कि वेस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में ज़िंदगी एलजीबीटी के लिए बहुत बढ़िया है. यह गलतफहमी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा रेसिज्म है, तो डिस्क्रिमिनेशन होती है. यहाँ पर इंग्लैंड में, यूके वेस्ट में, जेकर आप गोरे हैं तो आप गे हैं तो आपके लिए काफ़ी सहूलत है, तो काफ़ी रिस्पेक्ट होता है. सो जेकर आप डेटिंग करना चाहते हो, जब फ्रेंड्स बनाना चाहते हो, जब रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, काफ़ी तौर पर ये जो गोरे हैं ये अपने आप गोरे के लिए के ही साथ डेट करते हैं. सो आप ऐसे कह सकते हैं कि सभी कम्युनिटियों में लोग अपने आप के कम्युनिटी के साथ ही रिश्ता करते हैं, शादी करते हैं, मगर हमने सोचा था कि गे कम्युनिटी में काफ़ी ओपन माइंडेड होना चाहिए, मगर नहीं है. मेरा एक्सपीरियंस था जब मैं यूनिवर्सिटी गया या डेटिंग की कोशिश की, तो ये जो गोरे लोग हैं ये गोरे लोग को ही कले डेट करते हैं, तो ये कहते हैं कि हमको काले नहीं चाहिए, हमको इंडियन नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए. सो वो ये खाली साफ साफ कह देते हैं कि किसको नहीं ये पसंद. ये अभी ये इतना डेटिंग ऐप्स पर ऐसे नहीं लिखते, मगर खाली लिख देते हैं कि नो एशियंस, नो इंडियंस, नो ब्लैक्स, मगर अभी ये थोड़ा सा चेंज होने लग पाया है. मगर फिर भी वो मुंह पर नहीं कहेंगे, पर दिल में समाएंगे कि आपको नहीं चाहेंगे, आपको नहीं डेट करना चाहेंगे या फ्रेंडशिप बनाना चाहेंगे. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. सो ऑल्सो जो आप लड़की हैं, सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में है, यहाँ भी है, सारे देशों में है. तो यहाँ पर जो आपको लेस्बियन है तो आपको सेकंड क्लास सिटीजन्स के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकती है, होएगी. तो बाइसेक्सुअल लोगों के पास बहुत स्टिग्मा होता है यहाँ पर. ट्रांसजेंडर, जी, ट्रांसजेंडर के राइट्स थोड़े से बढ़े हैं यहाँ पर. साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, हेल्थ, सेक्स चेंज करने के लिए सब कुछ पैसा मिलता है फ्री, मगर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है.
काफ़ी ट्रांसजेंडर लोगों की मौत होती है, स्पेशली इन अमेरिका। जे आप ब्लैक या एशियन ट्रांसजेंडर पर्सन है तो फिर आपके मरने की परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मुझको मालूम है कि इंडिया में हिजरा लोग या ट्रांसजेंडर लोग जो भी हो, उनको इतने राइट्स नहीं होते हैं, काफ़ी तौर पर बीक मारनी पड़ती है या सेक्स वर्कर काम करना पड़ता है। सेम थिंग इज इन द वेस्ट। अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मगर सिचुएशन सेम ही है। सो जेकर आप सोचते हैं कि यूके जाके या वेस्ट में जाके आपने बहुत बढ़िया ज़िंदगी जीनी है, हाँ, पर आपको खुद की ज़िंदगी बनानी पड़ेगी। यहाँ पर काफ़ी एशियन लोग हैं, काफ़ी इंडियन लोग हैं कम्युनिटी, कई एजुकेटेड है, कई ओपन माइंडेड है, मगर कई LGBT को नहीं पसंद करते, ते मारा देखते हैं, नाक काटते हैं। सो जेकर आप यहाँ पर अकेले आते हो, फिर आपकी कोई फैमिली नहीं है यहाँ पर, फिर आपको थोड़ी सी आज़ादी शायद महसूस हो सकती है, मगर आइसोलेशन भी महसूस हो सकता है। पर जो फैमिली मेंबर्स, जेकर आपकी फैमिली यहाँ पर रहती है, रिश्तेदार कोई भी हो, जा आप यहाँ पर जन्म ले आए तो आपकी फैमिली है, तो आपको ताने ते टोक बहुत बातचीत अपने बारे में ये कर सकते हैं लोग के आप कटिया लोग हैं, ऐसे कह सकते हैं, जहाँ मारा सोच सकते हैं आपके वास्ते। सो इन दैट रिस्पेक्ट यहाँ पर इश्यूज है। सो ऐसे मत सोचा कि यूके में साइलम लेके या रेफ्यूजी लेके जा जॉब लेके अमेरिका लेके सब कुछ आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया होएगी, ये नहीं ट्रू। जे यूके दे विच जो पिंड है, विलेज है, शहर है, गांव है, वहाँ पर भी इतनी सहूलतें नहीं होती हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन है। जेकर आप ट्रांसजेंडर है, फिर ये जो थाईलैंड है, थाईलैंड में ट्रांसजेंडर के राइट्स बहुत ज़्यादा है। ट्रांसजेंडर लोग आम काम कर सकते हैं, आम काम तो उनको कुछ लोग इतना कहते नहीं हैं, मगर यहाँ पर यूके में जो ट्रांसजेंडर काम करे उनको नेगेटिव फीडबैक मिल सकती है, वायलेंस भी हो सकता है। सो ये है मेरा कंपैरिजन यूके ते इंडिया दे विच हिंदी दे विच। सो पॉलिटिकली लीगली हमारे दो देशों में इतना फ़र्क नहीं है, मगर लीगल जस्टिस ते हेल्प सपोर्ट पुलिस यहाँ पर ज़्यादा यूके में सपोर्ट मिलता है। कम्युनिटी एंड एनजीओ यहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट होता है इंग्लैंड में, मगर जेकर हम बोलते हैं इंडिविजुअल परस्पेक्टिव, रिलीजियस कम्युनिटी परस्पेक्टिव, यहाँ पर रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ट्रांसफोबिया, होमोफोबिया सारा कुछ है। ते जो भी आपने डिसीजन बनाना है, आप सोच समझ के पैर अपने आगे बढ़ाना, क्योंकि बड़े शहरों में जैसे मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ एक्सेट्रा, वहाँ पर LGBT की ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह के आप जी सकते हैं। यस, इंडिया दे विच मैंने देखा है, क्योंकि मैं इंडिया में रह चुका हूँ, वहाँ पर ये जो सोसाइटीज़ है, कम्युनिटीज़ है, अपार्टमेंट्स में, ब्लॉक्स में रहते हैं लोग, बहुत ज़्यादा देखते हैं अपनी लाइफ में ज़्यादा घुसते हैं, मगर यूके में, वेस्ट में इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है। सो लोग इतना अपनी बिजनेस में नहीं देखेंगे कि आ फलाना तुम्हारे घर में आया था, या हो ये होया था, वाह वो होया था, उनको इतना कंसर्न नहीं है, सब यहाँ अपनी अकेली ज़िंदगी जीते हैं। आपको शायद यहाँ पर अकेलापन या लोनलीनेस एक्सेट्रा एक्सपीरियंस हो सकता है। सो मैंने बोला था वीडियो में शुरू से कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है। ऑफ कोर्स और लोगों की व्यूज़ डिफरेंट से अलग हो सकती हैं। सो तुसी प्लीज़ शेयर करो वीडियो, ये जिसके जिसको ये वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करो, तो कमेंट नीचे पर डालो, तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल पर,
ते मैं एक वीडियो सेम या ये बनाऊंगा पंजाबी विच ते मैं होर कंट्री वास्ते भी वीडियो बनाऊंगा इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. थैंक यू वेरी मच.